नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। धामी सरकार ने बेटियों को तोहफा दिया है, तो बड़ी सौगात धामी सरकार की तरफ से दी गई है। उच्च शिक्षा के लिए हर साल धनराशि यहां पर बेटियों को दी जाएगी, तो नंदा गौरा योजना में बदलाव किया जाएगा। उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ेगी, तो सीएम धामी ने विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो धामी सरकार की तरफ से बेटियों के लिए बड़ी सौगात यहां पर देखने को मिल रही है। नंदा गौरा योजना में बदलाव किया जाएगा और बेटियों की भागीदारी उच्च शिक्षा में यहां पर बढ़ेगी। सीएम धामी ने विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो नंदा गौरा योजना में बदलाव की तैयारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी यहां पर दे दिए हैं। उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाने को लेकर यह फैसला किया गया है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम धामी ने विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश यहां पर दे दिए हैं। बेटियों को बड़ा तोहफा धामी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, एक बड़ी सौगात। उच्च शिक्षा के लिए हर साल धनराशि यहां पर दी जाएगी। नंदा गौरा योजना में बदलाव किया जाएगा। नंदा गौरा योजना में बदलाव को लेकर विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी यहां पर दे दिए गए। उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा और उसी को लेकर यह बड़ा फैसला धामी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो बेटियों के लिए बड़ा तोहफा लेकर धामी सरकार आई। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? नंदा गौरा योजना में बड़ा बदलाव करने की तैयारी है और बेटियों के लिए बड़ा तोहफा धामी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। शायद एक बैठक यहाँ पर की गई थी, उसमें तमाम जो बेटियां हैं उनको लेकर के ये निर्णय लिया जा रहा है कि अब उच्च शिक्षा में तमाम जो छात्राएं हैं उनको एक तोहफा यहाँ पर दिया जाएगा। जो नंदा गौरा देवी जो योजना के तहत जो धनराशि बच्चियों को दी जाती है, रोजगार राशि जो दी जाती है, उसमें अब वृद्धि की जो संभावना है वो बन रही है और सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है ताकि जो बेटियां हैं वो आगे बढ़ सकें, यानी कि वो पढ़ भी सकें और खेल के साथ साथ खेल भी कर सकें। इन सभी चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं जो सरकार है, राज्य सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो सरकार उत्तराखंड में चल रही है, तो उसमें अब जो बेटियां हैं बेटियों को आगे प्रोत्साहन करने के लिए तमाम योजनाएं यहाँ पर चला रही है। खासतौर पर इस समय की बात करें, अभी आपने देखा कि जिस तरह से जो PCS के जो एग्जाम यहाँ पर हुए थे और उसमें जो प्री जिन बच्चों ने निकाला था, खासतौर पर बेटियों ने, तो उनको यहाँ पर प्रोत्साहन के तौर पर उनको 50,000 रुपए की जो राशि है वो कोचिंग के लिए दी गई थी ताकि वो मेंस इसका निकाल सके। तो इसी तरफ अब नंदा देवी गौरा जो योजना है उसके तहत जो तमाम जो बेटियां हैं प्रदेश की उनको यहाँ पर लाभान्वित करने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और यही नहीं बल्कि अगर हम प्रदेश की तमाम उन छात्राओं की बात करें कि जो पढ़ने में ऐसा महसूस कर रही हैं, जो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, आर्थिक तौर पे जो मजबूत नहीं है, तो उनको कहीं कहीं सतर्क करने की दिशा में सरकार ये कदम उठा रही है ताकि जो प्रोत्साहन राशि है उसे बढ़ाया जा सके और जो छात्राएं हैं जो बेटियां हैं वो आगे पढ़ सकें। जी बिल्कुल। और हरीश, अगर बात की जाए जिस तरीके से जो विभागीय अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देशित भी यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से इस योजना में बदलाव को लेकर कर दिया गया है, यानी कि पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि उच्च शिक्षा में अब जो बेटियों की भागीदारी है वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और उसी को सुनिश्चित करने के लिए बड़ा बदलाव यहाँ पर सीएम धामी की तरफ से किया जा रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि बेटियों को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने की तरफ कदम उठाती हुई धामी सरकार नजर आ रही है। ऐसे में काफी ज्यादा फायदेमंद इस योजना को माना जा सकता है बच्चियों के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, शायद आपने सही कहा कि ये बहुत कारगर साबित होगा कि अगर इस तरह की योजना
सरकार इसे तटवर्ष करती है या छात्र पुकारती है, तो निश्चित तौर पर इसे तमाम प्रदेश की जो छात्राएं हैं, जो बेटियां हैं, उनको उनका मनोबल बढ़ेगा और वो आगे बढ़ने की दिशा में भी काम करेंगे। सीधे तौर पर जो मंत्री धन सिंह रावत हैं, शिक्षा मंत्री, उनकी तरफ से बैठक यहाँ पर की गई थी और मुख्यमंत्री ने खुद उसके बाद यहाँ पर ये बैठक की गई थी और खुद मुख्यमंत्री ने इस बात पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया है कि किस तरह से जो छात्राएं हैं प्रदेश में उनको आगे बढ़ाया जा सके, उनको उस शिक्षा में उनको और ज्यादा मजबूत उनको किया जा सके और ऐसे में तमाम की जो बेटियां हैं वो अछूती न रह सके, वो पीछे न रह सके। तो इस तरफ लगातार स्थानीय सरकार काम भी कर रही है। जो उच्च शिक्षा की अगर बात करें, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत हों या सचिव हों, तमाम यहाँ पर बैठकें भी की गई हैं और बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जो धनराशि है उसे यहाँ पर बढ़ाया जा सके। अभी हालांकि ये कितनी राशि बढ़ पाएगी इस तरफ कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन बहरहाल जो बैठक में जो निर्णय लिया गया है, जो नंदा देवी गौरा योजना है उसके तहत प्रदेश की तमाम जो छात्राएं हैं, तमाम जो उच्च शिक्षा में पढ़ रही जो बच्चियां हैं उनको यहाँ पर प्रोत्साहन राशि यानी कि एक स्कॉलरशिप एक वजीफा देने की तरफ सरकार काम कर रही है, ताकि जो गरीब जो परिवार की जो बेटियां हैं और जो ओबीसी एससी एसटी की जो छात्राएं हैं उनको यहाँ पर उनको प्रोत्साहन दिया जा सके और साथ ही साथ जो बेटियां हैं खासतौर पर उन छात्राओं की बात करें जो इस समय जो परीक्षा में अव्वल रह रही हैं और वो किसी कारणवश यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर होने के चलते वो आगे नहीं पढ़ पा रही, तो इस तरफ सरकार ये ध्यान दे रही है कि उनको एक यहाँ पर प्रोत्साहन राशि दी जाए। एक जो योजना यहाँ पर प्रदेश में जो नंदा गौड़ा देवी योजना है उसके तहत जो छात्राएं हैं उनको यहाँ पर तमाम सुविधाएं यहाँ पर मुहैया करवाई जा सके, ताकि वो बच्चियां पढ़ सकें और ताकि वो आगे बढ़ सकें और इसी तरह से कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ी हो सके। चलिए हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। देहरादून पुलिस को एक और सफलता मिली है। फर्जी एमबीबीएस डिग्री धारक को दून पुलिस ने पकड़ लिया है। दून पुलिस ने करनाल हरियाणा से इसे गिरफ्तार किया है। तो 3 सालों से ये इनामी अनिल कुमार फरार चल रहा था। तो फर्जी डिग्री से राजकीय चिकित्सालय में नौकरी प्राप्त की थी। मुकदमे के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। तो थाना रायपुर पुलिस ने पिछले 3 सालों से फरार इनामी फर्जी एमबीबीएस डिग्री धारक आरोपी को हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि आरोपी ने फर्जी एमबीबीएस की डिग्री बनाकर राजकीय अस्पताल में नौकरी प्राप्त की थी। आरोपी के खिलाफ उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल द्वारा साल 2021 में थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही आरोपी लगातार फरार चल रहा था। तो पुलिस पहले ही न्यायालय से कुर्की वारंट से आरोपी की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई कर चुकी है और रायपुर पुलिस के मुताबिक 22 अक्टूबर 2021 को डॉक्टर डीडी चौधरी, रजिस्ट्रार उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल व ऑफिस डायरेक्टर जनरल मेडिकल हेल्थ उत्तराखंड ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अनिल कुमार निवासी डोईवाला ने उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर ओडिशा से फर्जी एमबीबीएस की डिग्री बनाकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में उप जिला अस्पताल रुड़की में चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति ली है। तो एक बड़ी सफलता यहाँ पर पुलिस के हाथ लगी है। खबर पर ज़रा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश कनेडा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, दून पुलिस ने ये बड़ी सफलता हासिल की है। रायपुर थाने में इस फर्जी एमबीबीएस धारक के खिलाफ काफ़ी समय से ये मुकदमा दर्ज था। इनामी ये फर्जी डिग्री धारक बताया जा रहा है और अब पुलिस ने ये बड़ी सफलता हासिल कर ली है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? इस तरह से पुलिस को एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली है, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से जो नामी नामची जो ये फर्जी तरीके का जो डॉक्टर है ये फरार यहाँ पर चल रहा था और एक मेडिकल की इसने फर्जी जो डिग्री है वो अपने आप में ली थी, उड़ीसा से जो डिग्री है वो धारण की थी और उसके बाद जब इसने मुकदमा हालांकि यहाँ पर किया गया था और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरकार ने इसका संज्ञान लिया और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो उसकी तरह तमाम जो संपत्तियां थी उस पर कुर्की के आदेश हुए थे और लगातार ये फरार चल रहा था। लगभग 3 साल से फरार चल रहा था। एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली है। सीधे तौर पर ये देखा जाए, क्योंकि आपने देखा कि जो भी फर्जी वाला तमाम यहाँ पर किया जा रहा है वो उसके खिलाफ लगातार सरकार यहाँ पर ठोस कदम उठा रही है कि किसी भी हाल में कोई भी व्यक्ति हो वो किस तरह का फर्जी यहाँ पर ना पाया जाए और कोई गड़बड़ी ना पाया जाए, सरकार को जो परेशानियां हैं वो ना झेलनी पड़े, सरकार का नुकसान है वो यहाँ पर ना हो, इसको इस तरफ भी लगातार सरकार काम कर रही है और एक बड़ा कड़ा कानून यहाँ पर है कि जो भी यहाँ पर फर्जी तरीके से नौकरी पाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरफ जो रायपुर थाना
क्षेत्र है उसकी तरफ से यहाँ पर लगातार यहाँ पर दबिश दी जा रही थी। तमाम उनके जो ठिकाने हैं अनिल कुमार के उस पर छापेमारी लगातार की जा रही थी। आपकी अगर बात करें तो इस समय करनाल जो हरियाणा करनाल से है वहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है और उसकी उससे पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। और जिस तरह से जो डिग्री यहाँ पर फर्जी तरीके से ली गई थी वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये पहले ही यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से क्या कहा गया था कि कोई भी फर्जी किसी भी हाल में जो इस तरह का झांसा देता है नौकरी पाता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरीश, जिस तरीके से हमने देखा है कि उत्तराखंड की अगर हम बात करें, सीएम पुष्कर सिंह धामी इन फर्जी डिग्री धारकों के खिलाफ पहले से ही सख्ती बरतते हुए नजर आए हैं और उनके निर्देशों के बाद हमने देखा कि समय समय पर कई ऐसे धरपकड़ के अभियान भी चलाए गए जिसमें कई झोला छाप डॉक्टर हो, कई फर्जी डिग्री धारक डॉक्टर्स हो जिन्होंने MBBS की फर्जी डिग्रियां यहां पर ले रखी हैं और वो क्लिनिक को संचालित कर रहे थे, ऐसों के खिलाफ कई बार इस तरीके के अभियान चलाकर उनकी धरपकड़ भी यहाँ पर की गई है। लेकिन ये जिस आरोपी की हम बात कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से फरार चल रहा था, करनाल से इसकी गिरफ्तारी हुई है, तो कहीं ना कहीं इसके जो लिंक्स हैं या फिर बताया जाए कि कई जगहों पर ये छुपा हुआ था, काफ़ी समय से उसकी धरपकड़ की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही थी लेकिन फिर भी ये पुलिस के चंगुल से बाहर था, तो कई और लिंक्स भी क्या इससे निकल कर सामने आए हैं? बिल्कुल, क्योंकि इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है अनिल कुमार की और इसकी करनाल से जो गिरफ्तारी हुई है पुलिस लगातार इससे पूछताछ कर रही है। क्योंकि ये बड़ी बात आपने कही है शाइल, क्योंकि इसके और भी लिंक हो सकते हैं। जिस तरह से उड़ीसा से इसने डिग्री दी है और इससे पहले भी अब न जाने कितने और लोगों ने यहाँ पर डिग्री इससे दी होगी या इसके साथ और कौन कौन लोग शामिल रहे होंगे, हो सकता है कि तमाम प्रदेश में ही वो लोग यहाँ पर नौकरी पा रहे हों, नौकरी कर रहे हों, अभी तक उस तरफ नजर नहीं पड़ी। तो इन सभी चीजों का खुलासा कहीं ना कहीं पुलिस कर रही है, लगातार इससे यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। और जैसे आपने कहा कि सरकार ये चाह रही है कि किसी भी हाल में चाहे वो मेडिकल जो कंपनियां हों उनके खिलाफ यहाँ पर अभियान चला रही है, क्योंकि जो तमाम जो फर्जी कंपनियां हैं उनको भी यहाँ पर ध्वस्त करने का काम, उनको जब्त करने का काम, उससे जो जितना भी जुगरा है उसको जब्त करने का काम सरकार की तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार कर रही है। और जैसे कि जो झोला छाप डॉक्टर हैं, जो जिस तरह से जो तमाम जो मेडिकल कंपनियां हैं वो किस तरह से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है, इस तरह भी सरकार की नजर है। और ऐसे में ये बहुत यहाँ पर देखा जा रहा है, तमाम उन इलाकों पर नजर लगाई जा रही है जो ड्रग्स कंपनियां हैं वो किस तरह से यहाँ पर दवाइयां वितरण कर रही हैं। तमाम गली मोहल्लों में जिन लोगों ने दुकानें खोली हैं, चाहे वो कंपनियां यहाँ पर खोली हैं, उन पर किस तरह से यहाँ पर उनका संचालन किया जा रहा है और क्या वो अवैध तरीके से किया जा रहा है, तो इन सभी चीजों की जांचें यहाँ पर लगातार पहले से ही हो रही हैं। खुद SSP देहरादून की अगर बात करें जय सिंह की, तो जब से उन्होंने अपनी ड्यूटी संभाली लगातार उन तमाम इलाकों में वो छापेमारी कर रहे थे। और निश्चित तौर पर ये प्रेमनगर का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी बहुत सारे जो फर्जी मामले हैं मेडिकल कंपनियों के, ये निकल करके सामने आए थे। उसके बाद हालांकि आप जो नई जो चीजें यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले भी जो फर्जी तरीके से जो डॉक्टर ने यहाँ पर जो नियुक्ति पाई है उसके खिलाफ भी यहाँ पर कार्रवाई हुई थी, तो अब लगातार इससे पूछताछ की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि क्या इसके साथ और लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने उत्तराखंड ही नहीं बल्कि प्रदेश के उत्तराखंड के प्रदेश में ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी नौकरी पाई हो, तो ये कहीं ना कहीं खुलासा यहाँ पर किया जा सकता है और उसके बाद एक बड़ी जो चीजें हैं वो सामने आ सकती है। चलिए हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। दून, नैनीताल और चंपावत में भारी बारिश की चेतावनी यहां पर दी गई है। आपको बता दें कि देहरादून, नैनीताल और चंपावत में भारी बारिश को लेकर यह चेतावनी दी गई है, मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है। तो प्रदेश में कई जगहों पर मौसम विभाग ने ये येलो अलर्ट जारी किया है। दून, नैनीताल और चंपावत में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत नैनीताल और चंपावत जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा हरिद्वार, पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, ऊधम सिंह नगर और चमोली जिले के कुछ हिस्सों में गर्जन के साथ तेज दौर की बारिश होने के भी आसार हैं। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश कनेड़ा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है पहाड़ी इलाकों की बात करें तो लगातार हो रही बारिश ने वहां पर स्थितियों को काफी ज्यादा विकराल यहां पर बना दिया है और जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि कई जगहों पर भूस्खलन की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, कई मार्ग जो हैं वो अवरुद्ध हो गए हैं मलबा आने की वजह से,
अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो वहां पर भी जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। नदी नाले जो हैं वो उफान पर नजर आ रहे हैं और फिलहाल कोई राहत मिलती हुई भी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मौसम विभाग लगातार येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए साहिल, क्योंकि अब मानसून अपने अंतिम चरण पर है और जाहिर सी बात है कि अब बारिश जो है वो अब कम धीरे धीरे हो रही है, लेकिन अभी की अगर बात करें तो कल जिस तरह से मौसम और देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में करीब 2 से 2.5 घंटे की यहाँ पर बारिश हुई थी और पूरे तरह से जो नदियां हैं वो अपने स्थान पर हो गई थी। और आज की अगर बात करें तो हालांकि इस समय मौसम साफ है, धूप यहाँ पर खिली हुई है, लेकिन शाम तक जो मौसम है मौसम विभाग के अनुसार मौसम भारी बारिश होने की संभावना है। देहरादून सहित चंपावत और तमाम इलाकों की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो लगातार जिस तरह से बारिश हो रही थी, बारिश से बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। खासतौर पर सड़कों की बात करें तो सड़कों जो सड़कें हैं वो भी बंद हो गई और आज भी जो यहाँ पर दी गई है बहुत भारी से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों रेंज में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। और अभी तक की अगर बात करें तो प्रशासन को मुस्तैदी के साथ यहाँ पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और खासतौर पर जो निचले इलाके हैं, खासतौर पर नदी किनारे रहने वाले लोग हैं, उनको विशेष तौर पर सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल हरीश, और जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि प्रशासन अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश में जुटा हुआ है कि लोगों को कम से कम परेशानी हो, लेकिन भारी बारिश ने प्रशासन की मुश्किलों को भी बढ़ा दिया है, क्योंकि राहत और बचाव कार्य तो किया जा रहा है लेकिन उस कार्य को करने में भी ये भारी बारिश जो है वो अड़चन पैदा कर रही है। अलग अलग जगहों पर हमने देखा है कि रास्तों को खोला जा रहा है लेकिन बार बार भूस्खलन होने से मलबा जो है वो रास्तों पर आ जा रहा है, उसकी वजह से चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें तो उसमें भी खासा परेशानियों का सामना यहाँ पर यात्रियों को करना पड़ा था। प्रशासन हालांकि पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है राहत बचाव कार्यों में, लेकिन उसके बावजूद जो स्थितियाँ हैं वो अभी फिलहाल गंभीर दिखाई पड़ रही है कई जगहों पर। निश्चित तौर पर देखिए शायद, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है तो ऐसे में राहत बचाव कार्य में भी दिक्कतें होती हैं। खासतौर पर हम केदारनाथ की बात करें और जैसे कि आपने जिक्र चारधाम यात्रा का किया है तो चारधाम यात्रा पर बहुत ज्यादा प्रभाव इस बार मानसून का पड़ा है, बारिश का पड़ा है, आपदा का पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बादल फटने की घटना हमने केदारनाथ की वैली में देखी है तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान तमाम रास्तों को हुआ है, पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त हुए हैं, साथ ही साथ जो सड़क मार्ग है उनको भी बहुत ज्यादा भारी नुकसान पहुंचा है। और अभी तक की अगर बात करें तो अभी भी जो रास्ते हैं उन्हें खोलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, उनको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चारधाम यात्रा में अभी समय और है, करीब 1.5 महीने से 2 महीने का समय और चारधाम यात्रा में है, तो निश्चित तौर पर अब जैसे ही मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा उसके बाद चारधाम यात्रा फिर से अपने पटल पर होगी, अपने चरम पर होगी। और जिस तरह से अगर हम सड़कों की बात करें तो अब सड़कों को भी दुरुस्त किया जा रहा है, हालांकि अब बारिश जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, मानसून भी अपने अंतिम चरण पर है और ऐसे में अब जो बारिश इस समय हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक जो टीमें हैं वो बिल्कुल मुस्तैदी से अपने तट पर हैं, अपने जगहों पर हैं और जो मशीनें हैं वो भी यहाँ पर तमाम जगहों पर लगाई गई हैं, जो सड़क मार्ग हैं उन्हें खोलने के लिए तमाम एहतियात कदम हैं वो जिला प्रशासन को भी कहा गया है। आज की अगर बात करें तो आज गढ़वाल और गाँव के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है और निचले इलाके खासतौर पर गंगा नदी किनारे रहने वाले लोग हों या फिर गोला नदी के किनारे में रहने वाले लोग हों, अलकनंदा, पिंडर, इन जगहों की बात करें तो भागीरथी नदी की बात करें तो सभी जगहों पर जो निचले इलाके हैं वहां पर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम विस्तृत जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग में उखीमठ के कुछ गांव के बाहर लगे बोर्ड नजर आए जहां धर्म विशेष की नो एंट्री के ये बोर्ड लगाए गए तो पुलिस ने सभी बोर्डों को हटा दिया है और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कई गांव के प्रवेश द्वार पर ग्रामीणों ने बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक संबंधी साइन बोर्ड लगा दिए। इस संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि गाँव में चोरी की घटनाओं को देखते हुए अपरिचितों और अनजान फेरी वालों को यहाँ आने से रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। फाटा गांव के एक निवासी ने बताया कि गांव में मंदिरों और घरों में चोरी की घटनाओं में बाहरी लोगों की संलिप्तता की बात सामने आई। इसके बाद युवाओं ने करीब 20 से 25 दिन पहले इस तरह के बोर्ड लगाए थे। फिलहाल पुलिस ने सभी बोर्ड को हटा दिया है और रुद्रप्रयाग में उखीमठ के कुछ गांव के बाहर ये बोर्ड लगे हुए नजर आए। धर्म विशेष की नो एंट्री के बोर्ड यहां पर लगाए गए। हालांकि गांव वालों का कहना है कि गांव में चोरी की घटनाओं में वृद्धि की वजह से ये बोर्ड गांव वालों की तरफ से लगाए गए क्योंकि बाहरी लोगों की संलिप्तता इन चोरी की घटनाओं में पाई गई।